रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली ये जो है हमारे पास वीक 6 का लेक्चर है, विच इज़ ऑफ गेम प्लेइंग टेक्निक्स। हमने पास 2 वीक्स जो है वो सर्चिंग टेक्निक्स को समझने में गुजारे हैं, और आज हम मज़ीद कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स एक्सप्लोर करेंगे जो कि 2 प्लेयर गेम्स को खेलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो 2 प्लेयर गेम्स वो नहीं जिसमें प्लेयर 1 और प्लेयर 2 भी ह्यूमन हो, इस तरह की गेम्स जिसमें हम ह्यूमन को कंप्यूटर से रिप्लेस कर दें, फिर एक्सपेक्ट करें कि एक कंप्यूटर जो है वो गेम जीत जाए या बिल्कुल वैसे ही खेले जैसे कि एक ह्यूमन खेलता है। सो इस वीडियो में हम 3 एल्गोरिथम्स के बारे में आज देखेंगे। एक मिनीमैक्स एल्गोरिथम है, एक अल्फा बीटा प्रोनिंग प्रोसीजर है, और एक प्रोग्रेसिव डीपनिंग सर्च है। इनकी जो रीडिंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय पैट्रिक की बुक का चैप्टर 6 है, और एक दूसरी बुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय रसल की बुक का चैप्टर 5 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इंसान की, वो साइंसदानों के लिए एक तजस्सुस बनी हुई है अभी तक, और इंसान अभी तक यही समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो किस तरह से इवॉल्व होती है, वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी रखती है, वो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी पिक करती है। तो एक एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन यही है कि गेम्स में देखा जाए कि किस तरह से इंसान का बिहेवियर जो है वो इवॉल्व करता है, वो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करता है, और वो कैसे अपने ओपोनेंट को डिफीट करने के लिए सोचता है। तो इस सिलसिले में जो एक काफ़ी मशहूर जो गेम रही है वो 2 प्लेयर गेम जो है वो हमारे पास, वो चेस को काफ़ी साइंसदान देखते रहे हैं, टिक टैक टो ये ज़रा सिंपल है इस गेम को देखते रहे हैं, गो है हमारे पास, और भी कई ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको साइंसदान इस तरह से ऐसे कंप्यूटर्स उनके बारे में, ऐसे एल्गोरिदम्स उनके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं कि जो वो गेम खेलें इस ही तरीके से जैसे कि इंसान खेलता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओपोनेंट, अगर लेट्स से 1 हो वो अगर ह्यूमन है तो ओपोनेंट 2, अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर कुछ इस तरह से खेले जैसे ह्यूमन खेलता है, और आप तो एक दूसरे को ये डिफीट कर सकें। तो जो चेस के सिलसिले में भी काफ़ी काम होता रहा और काफ़ी वर्जन आते रहे कंप्यूटर के, उसमें से एक डीप थॉट था, इससे पहले भी इसके वर्जन आए, और फिर फाइनली एंड पे ये डीप थॉट जो है वो डीप ब्लू के नाम से जो है वो चेंज हुआ, और ये जो मशीन है ये डीप ब्लू की मशीन है, ये फाइनली ये वो कंप्यूटर है जिसने पहली दफ़ा जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन जो चेस का प्लेयर था उसको डिफीट करने में कामयाब हो गया। तो सिर्फ एक सिंगल डिफीट नहीं, उसने पूरा टूर्नामेंट जो है वो इस कंप्यूटर ने जीत लिया। तो जो 1997 तक जो डीप ब्लू की मशीन थी वो अपनी कैपेसिटी के लिहाज से जो है वो तकरीबन 259th मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर था टॉप 500 लिस्ट के अंदर। तो यानी कि आप ये देखें कि हमारा एक छोटा सा जो दिमाग है इंसान का, उसकी पावर को मैच करने के लिए हमें सुपर कंप्यूटर बनाना पड़ा, और जिसके लिए भी कई सालों की, कई डिकेड्स की जो है वो मेहनत लगी। तो अब जो बेसिकली इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो डीप ब्लू की मशीन थी, या फिर कोई और भी गेम प्लेइंग की मशीन्स हैं जो कि इंसानों की तरह खेलने की कोशिश करें, वो किस तरीके के साथ जो है वो सोचें, क्या क्या स्ट्रेटजी प्लान करें कि वो गेम जो है वो विन की तरफ लेके जाए। क्वेश्चन ये है कि चेस ही क्यों इतनी अहमियत की हामिल रही है अब तक, चेस पे इतनी तवज्जो क्यों दी गई है? उसकी एक मेन वजह ये है कि चेस हमारे पास जो उसकी इन्वायरमेंट है वो ऐसी है जो कि हम कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली इस चेस के नॉलेज को कंप्यूटर में एम्बेड करने के लिए हमारे पास आसानी मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसके लिमिटेड स्टेट्स हैं, स्टेट्स हमारे पास कंट्रोल में हैं कि पोजीशन जब कोई भी इसमें से बॉडी चेंज करेगी तो वो कहाँ जाएगी, वो हमारे पास एक लिमिटेड सेट मौजूद है जो कि चेस के बोर्ड्स हैं, तो हमें बता सकते हैं कि स्टेट क्या हो सकता है। इसी तरह से लिमिटेड एक्शंस हैं, यानी हमें यह पता है कि हर एक जो न्यूट्रल जो बॉडी है उसको उसके लिमिटेड एक्शंस हैं, यानी कोई ये जो है हमारे पास ये टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम पे मूव कर सकता है, इसको हम प्यादा जो कहते हैं। इसी तरह से बादशाह की एक स्पेसिफिक मूवमेंट है हमारे पास, ये इस घोड़े की जिसको हम कहते हैं उर्दू में, इसकी अलहदा है। तो मल्टीपल हमारे पास बॉडीज की मल्टीपल मूवमेंट्स हैं, लिमिटेड स्टेट्स और लिमिटेड एक्शंस मौजूद हैं। तो जो दूसरी तीसरी बात ये है कि जो इस पूरे बोर्ड का नॉलेज है फुली एक्सेसिबल है, कोई ऐसी बात नहीं है जो अननोन है। अगर कोई भी एक मूवमेंट होती है, कोई एक प्लेयर एक मूव करता है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल नेक्स्ट जो है वो क्या मूव्स हो सकती हैं और बोर्ड का स्टेटस क्या हो सकता है।
तो अब क्वेश्चन ये है कि जो इंटेलिजेंस है क्या इसमें इन्वॉल्व है? तो क्या जो हमारी बींग अ ह्यूमन हम इस गेम को खेलते हैं तो हम भी इसी तरीके से खेलते हैं कि प्लेयर वन ने कोई मूव की है और फिर हम असेस करते हैं कि हमने कौन सी ऐसी मूव करनी है कि जिसके कोई 3-4 मूव्स के बाद भी कोई ऐसा स्टेटस ना आए कि जब हम जो है वो लूज कर सकेंगे। इसी तरह से जो कंप्यूटर के लिए भी फिर हम यही करते हैं कि जी मूव एक है उसके अगेंस्ट कितनी पॉसिबल मूव्स हैं, उसमें से बेस्ट पॉसिबल मूव कौन सी हम पिक करते हैं। लेकिन क्या ये इंटेलिजेंस है? मेरी नज़र में ये इंटेलिजेंस तो नहीं है। इंटेलिजेंस मैं उस चीज़ को शामिल करूँगी जो कि रन टाइम पे भी इवॉल्व हो सके और ग्रो कर सके, और ये नहीं कि मतलब जो लिमिटेड इन्वायरमेंट है उसी के ऊपर ही उससे हटके कोई उसको बात दे दी जाए तो वो उसके ऊपर फैसला ना कर पाए। तो इवन के डीप ब्लू के बनाने वाले भी जो हैं उनमें से एक जो साइंटिस्ट था उसने भी ये क्लेम कर दिया था कि ये इंटेलिजेंस नहीं है। तो बेसिकली अगर आप ब्रूट फोर्स कहीं पे भी अप्लाई करेंगे, ब्रिटिश म्यूजियम अप्रोच कहीं पे भी अप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब है जब आपको ऑल पॉसिबल स्टेट्स पता हैं तो इसका मतलब है कि फिर आप उसमें से बेस्ट तो पिक कर ही लेंगे, लेकिन इसमें आपको जो कॉस्ट आ रही है वो टाइम की और स्पेस की आ रही है। जबकि ह्यूमन जो है वो बहुत लिमिटेड टाइम में ये सारे डिसीजन ले लेता है, लेकिन कंप्यूटर को सिर्फ वो डिसीजन समझाने के लिए हमें मैक्सिमम जो है वो उसको ट्री को या उसकी मैक्सिमम पॉसिबल मूव्स को देखना पड़ता है और फिर उसमें से हमें फैसला करना पड़ता है। तो गेम प्लेइंग के जो चैलेंजेस हैं वो हमारे पास क्या आते हैं जब हम एआई में इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं? पहली बात तो ये कि अगर ये हमारे पास ओपन एंड वन है, अगर ये कोई मूव करता है, मूव M1 उसने ली है, तो ओपोनेंट 2 जो है वो ऐसी मूव करने की कोशिश करेगा जो कि इसके अगेंस्ट होगी। तो जब ओपोनेंट आप गेम में ऐड करते हैं तो अनसर्टेनिटी भी ऐड हो जाती है, क्योंकि आपने कोई सोच के डिसीजन लिया होता है जबकि ओपोनेंट 2 उसी डिसीजन के कोई कॉन्ट्रोडिक्टरी काम कर रहा होता है जिससे आपकी जो सोची हुई स्टेट के ऊपर कोई असर हो सकता है। तो अब आप नहीं बता सकते कि ओपोनेंट 2 जो है वो कौन सी मूव करेगा, तो ये एक अनसर्टेनिटी ऐड हो जाती है, तो प्रॉब्लम फिक्स नहीं रहती। तो इसी तरह से जो है वो अब बात ये थी कि जी चेस अगर आप एक कोई मूव करते हैं तो ऑन एन एवरेज जो है वो एक मूव के अगेंस्ट तकरीबन 35 पॉसिबल मूव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर जो है वो 50 मूव अगर तकरीबन एक गेम खेली जाए और हर प्लेयर जो है वो 50 मूव चलता है ऑन एन एवरेज, तो फिर तकरीबन हमारे पास रफली जो है वो 35^100 नोड्स एग्जिस्ट करेंगी। ये एक रफ एस्टिमेट है जो कि ये बताता है कि इतना पॉसिबली आपकी कोई जो गेम है वो ग्रो कर सकती है। तो अगर इतनी ज्यादा नोड्स हों और ये इतना बड़ा नंबर है कि ये आप किसी कंप्यूटर के अंदर अगर रख लेते हैं, फीड कर लेते हैं और इसके ऊपर सर्चिंग या अपनी कोई भी एल्गोरिथम चलाते हैं, तो वो शायद ही कुछ एक अरसे में जो है वो वापस आ सकेगा या आपको कोई सोल्यूशन दे सकेगा। तो फिर हमें जो है वो इस तरीके से शायद सोचना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो जो हमारी गेम है वो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपको टाइम लिमिट आ जाती है कि जो ह्यूमन है उसने लेट्स से 150 सेकेंड्स के अंदर जो है वो मूव वन करनी है। इसी तरह से ऑपरेंट टू के पास भी इतनी मूव है, तो 150 सेकेंड्स की लिमिट में सोचना और इतने साइज का डाटा हमारे पास होना, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कंप्यूटर के लिए। तो इंसान तो थोड़ा सा हिस्टिकली सोच लेता है, एक अपनी सिक्स सेंस इस्तेमाल करके सोच लेता है, एक बर्थ सोच लेता है कि स्टेट पर खड़ी हुई ये बर्थ हो सकती है, ज़्यादा चांस है अगर मैं इस चीज़ को छेड़ूँ तो जीतने का। तो कंप्यूटर जो है उसको ये चीजें समझाने में काफी टाइम लग सकता है, ये काफी स्टेट से काफी फीचर सेट इसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो अब बात ये है कि गेम अगर कोई आ जाती है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें? हमने काफी हवाई बातें तो कर ली हैं, तो असल में जो हमारी गेम है वो भी बिल्कुल हमारे गोल ट्रीज की तरह ही होंगी। हमारे पास एक स्टार्टिंग कोई स्टेट हो सकता है, उस स्टार्टिंग स्टेट से आगे कितनी पॉसिबल मूव्स हो सकती हैं। अगर अभी प्लेयर वन की बारी है और प्लेयर वन जो है वो क्रॉस को यूज करता है और प्लेयर टू जो है वो ओ को यूज करता है, तो फिर रूट से आगे हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इससे ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसी तरह से जब प्लेयर वन क्रॉस यूज कर लेता है तो फिर आगे क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं प्लेयर टू के लिए, वो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस तरह से हम अपने जो है वो चार्ट को ग्रो कर सकते हैं। तो अ गेम ट्री इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन दैट इज अ सिमेंटिक ट्री इन विच नोड्स डोनेट बोर्ड कॉन्फ़िगरेशंस, जो आपकी नोड्स हैं वो बोर्ड कॉन्फ़िगरेशंस हो जाती हैं और ब्रांचेज आपकी मूव्स बन जाती हैं। जो भी आप ब्रांच पिक करते हैं वो आपकी मूव होती है।
और ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब फिर बी का मतलब ये है कि हर नोड से कितनी पॉसिबल मूव्स जो हैं वो आप कर सकते हैं, और डेप्थ है कि कितना सबसे एंड तक जब विन या लूज स्टेट तक जाने के लिए जो है वो कितनी डेप्थ आपके पास रिक्वायर्ड है। तो जो प्लाई ऑफ द गेम होता है इट इज एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द ट्री इंक्लूडिंग द रूट नोड। तो प्लाई जो है वो इट इज इक्वल टू डी प्लस वन बेसिकली। इस तो जो मूव है वो बेसिकली प्लेयर की चॉइस होती है, या फिर दूसरे प्लेयर मतलब दूसरे प्लेयर का रिएक्शन और प्लेयर की चॉइस होती है, ठीक है। तो ये दोनों कलेक्टिव होते हैं, लेकिन अमूमन हम इसको लाइटली जो है वो प्लेयर्स चॉइस ही बोल देते हैं कि पहली मूव प्लेयर वन की चॉइस है, फिर प्लेयर टू की चॉइस एंड सो ऑन। सो बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन कि जब प्लेयर वन ने जो चॉइस की थी तो अब जिस स्टेट पे है, तो अब प्लेयर टू का जो रिएक्शन है वो उसके ऊपर किस तरह से होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ताकि इसको देख के आपको आइडिया हो जाए कि जो गेम ट्रीज होते हैं वो किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक हमारे पास ये पजल सॉल्विंग अगर होती हैं, टाइल्स होती हैं, टाइल्स को हमने अरेंज करना है, तो इनको भी अगर हम एक टाइल को इधर से उधर शिफ्ट करते हैं तो वो एक एक पॉसिबल मूव होती है। तो ये मल्टीपल पॉसिबल मूव्स जो हैं वो इस स्टेट से जो है वो आगे हमारे पास मौजूद हैं, सो ऑन आगे भी जा सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा चेस बोर्ड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जो है वो आगे फर्दर जो है वो डिवाइड हो सकती है कि नंबर ऑफ पॉसिबल मूव्स के हिसाब से। तो इस तरह से हम अपने गेम ट्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब बीइंग ह्यूमन, पहले तो हम ये असेस कर लें कि हमारी अप्रोच क्या होती है गेम खेलते वक्त, तो फिर उसके बाद हम फैसला करें कि कंप्यूटर कैसे जो है वो खेलेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई गेम आती है हम पहले नज़र दौड़ाते हैं कि जी सारा पैटर्न क्या है, किस स्टेट के ऊपर गेम खड़ी हुई है, कौन सी जो मूव है वो किस स्टेट मतलब कौन सी आपके पास जिसको कहते हैं बात अगर लूडो है उसमें गीटियाँ हैं, गीटियाँ किस स्टेट के ऊपर खड़ी हुई हैं। और फिर आप स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं कि वो स्ट्रैटेजी जो है मुझे ये वाली पहले निकालूंगा तो यहाँ पे जाएगी, दूसरी वाली मैं बाद में निकालूंगा वो घर में एक एक्स्ट्रा रखूंगा, तो फिर दूसरे ओपोनेंट की गीटी आने वाली जो है उसके लिए वो उसको मारने के लिए खड़ी होगी। तो आप स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, आप टैक्टिक्स सोचते हैं, आप शॉर्टकट्स देखते हैं, और फिर इन सारी बातों के बाद आप फैसला करते हैं। एक तो ये अप्रोच होगी। दूसरी अप्रोच पॉसिबली क्या हो सकती है कि प्लेन एफ एल्स रूल्स हो जाएं कि ठीक है अगर इस खाने में वो आएगी तो ये करना है, अगर इस खाने में आएगी तो उसको मार देना है, अगर इस खाने में आएगी तो उसको अंदर ले जाना है। यानी कुछ आपने अपने रूल्स जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसाइड कर दिए, आप सिंपल एफ एल्स रूल्स लगाएं और आप गेम खेलते रहे। तो ये जो सेम काम है जो हम ह्यूमन है हमने यही सेम बात कंप्यूटर को सिखानी है। तो या तो कंप्यूटर इस बात के ऊपर चले, एनालिसिस करे, स्ट्रैटेजी सोचे, टैक्टिक्स लगाए और मूव करे। दूसरी चीज ये है कि सिंपल कंप्यूटर को इफ एल्स रूल्स बता दें वो उसके तहत चलता रहे। तो यानी कि इफ एल्स रूल्स लगाने से क्या इंटेलिजेंस आएगी? सो इंटेलिजेंस तो नहीं कहलाएगी, लेकिन आपको उसको देख के ऐसे लगेगा कि ये वो बहुत जो है ना वो काम करके आपको दे रहा है, लेकिन बेसिकली बिहाइंड द सीन उसके पास इफ एल्स है। तो एक पॉसिबल हमारे पास और क्या अप्रोच हो सकती है जो इंसान और कैसे करता है? इंसान एक तरीके से ये भी देखता है कि आपने एक मूव अगर आपने करनी है तो आप ये सोचते हैं कि अगर मैं ये मूव उठाऊंगा और इससे इस स्टेट पे जाऊंगा तो इसके बाद जो है वो प्लेयर टू क्या मूव ले सकता है, तो क्या लेट्स से मैं इस स्टेट पे खड़ा अगर होता हूँ तो क्या मैं हार तो नहीं जाऊंगा। यानी आप इधर खड़े हुए भी ये सोच रहे हैं, लुक अहेड कर रहे हैं कि मेरी ये मूव करने से आगे जो है वो मेरा ओपोनेंट अगर कोई डिसीजन लेता है तो फिर उससे मुझे कितना नुकसान हो रहा है। एक तो ये पॉसिबल अप्रोच भी हो सकती है। फिर एक और पॉसिबल ये अप्रोच है कि आप सारी पॉसिबिलिटीज निकाल लें, सारा ट्री फिल कर दें, ग्रो करके देख लें जितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और फिर उसमें से जो है वो ऑप्टिमल पिक कर लें, या उसमें से वो विनिंग वाले पाथ्स पिक कर लें और फिर वो विनिंग वाले पाथ आप फॉलो कर लें। तो लेकिन इसका नुकसान हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर ब्रांच 16 है यानी 16 पॉसिबल मूव्स हैं और डेप्थ अगर 100 है तो फिर नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगी और फिर वो हमारे कंट्रोल में एग्जॉस्टिव सर्च नहीं आएगी और शायद हम उसको पूरा भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी पॉसिबल अप्रोचेस जो हैं वो हमारे पास हो सकती हैं। इसमें से अभी हम देखेंगे कि ये जो लुक अहेड अप्रोच है, मिनीमैक्स, ये हम किस तरह से जो है वो चलाएंगे और अपनी गेम जो है वो उसमें से खेल के देखेंगे। तो मिनीमैक्स एल्गोरिदम बेसिकली क्या है? मिन और मैक्स ये बेसिकली दो प्लेयर्स का जो है वो कॉम्बिनेशन है, जो कि दो एक प्लेयर जिसमें कोशिश करता है कि वो अपना बढ़ा सके
और दूसरा प्लेयर ये कोशिश करता है उस टाइम पे कि वो ओपोनेंट को हरा सके, तो एक जीतने की कोशिश कर रहा है और एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न के ऊपर कोई एक स्टार्टिंग स्टेट होगा और फिर हम वो वाला पाथ पिक करेंगे जहाँ से उसको, अगर आप मैक्सिमम प्लेयर की पहली बारी है तो वो वाला पाथ वो पिक करने की कोशिश करेगा जहाँ से उसको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी नज़र आए जीतने की। तो वो पॉजिटिव जहाँ पे उसको गेन आ रहा होगा वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और जहाँ पे उसको पेनल्टी पड़ी होगी या जिसको लग रहा होगा कि जिस मूव से उसके ओपोनेंट वो जीत जाएगा, तो वो मूव जो है वो नहीं पिक करेगा। तो मिन मैक्स का एल्गोरिदम हम देखेंगे कि ये बेसिकली किस तरीके से बिहेव करेगा। तो उससे पहले हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एल्गोरिदम की तरफ जाएंगे। तो अब बात ये है कि जो बोर्ड पोजीशन है, जो मैंने पीछे बात की थी कि वो इस तरफ जाएगा, उस नोड की तरफ जाएगा जो उसको ज़्यादा गेन देगा, तो वो गेन जो है, वो जो नंबर है, वो एक क्वालिटी नंबर क्या चीज़ है, वो कैसे हमारे पास आएगा, हम कैसे बता सकेंगे या हम किस तरह से फैसला करेंगे कि कौन से नोड की जो है वो क्वालिटी ज़्यादा है और मुझे उस तरफ जो है वो जाना चाहिए। सो बेसिकली उस नंबर को जो है ना, हम कहेंगे कि वो हमारा स्टैटिक इवैल्यूएशन स्कोर है, वो कहीं किसी चीज़ से हमारे पास आया है लेट से अभी तक, तो उस स्कोर को हम स्टैटिक इवैल्यूएशन स्कोर कहेंगे, और वो हर नोड का हमारे पास होगा जो उसकी वर्थ बताएगा। तो अगर वो नंबर तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो एक प्लेयर को फेवर कर रहा है, और अगर वो नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरे प्लेयर को फेवर कर रहा है। तो इस तरह से हम उस नंबर से अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सा प्लेयर डिसीजन ले रहा है, अगर वो पॉजिटिव नंबर है और वो उसके फेवर में है तो उधर चला जाएगा, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो वो प्लेयर जो है वो उसको अवॉइड करेगा कि ये तो दूसरे को फेवर जा रहा है, तो वो मूव नहीं लेगा। तो इस प्रोसेस को, जो कि बोर्ड की क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, इसको निकालने के जो तरीकेकार को हम स्टैटिक इवैल्यूएशन कहते हैं, और वो जो प्रोसीजर जो कि कंप्यूटेशन करता है, इसको स्टैटिक इवैल्यूएटर कहते हैं। तो जो प्लेयर जो होप कर रहा होता है कि उसे पॉजिटिव नंबर मिले, उसे हम मैक्सिमाइजिंग प्लेयर कहते हैं या मैक्स भी बोलते हैं, और जो दूसरा प्लेयर है उसको हम मिनिमाइजिंग प्लेयर बोलेंगे, और मिनिमाइजर भी इसको हम कह सकते हैं। तो जो दोनों जो प्लेयर्स हैं हमारे पास, वो एक दूसरे से कम्पीट करने की कोशिश करेंगे, और मैक्सिमाइजर जो है वो वाली मूव ढूंढने की कोशिश करेगा जिससे उसको मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर मिल सके, और वो अज्यूम करेगा कि जो उसका ओपोनेंट है वो हमेशा कोशिश करेगा ऐसे हालात पैदा करने की जिससे उसको नेगेटिव स्टैटिक इवैल्यूएशंस मिले, और नेगेटिव स्टैटिक इवैल्यूएशंस मैक्सिमाइजर के लिए ठीक नहीं है, और जबकि वो मिनिमाइजर के लिए ठीक होंगी। तो प्लेयर वन को हम मैक्स कहेंगे और प्लेयर टू को हम मिन कहेंगे। मैक्स हम जो है वो पहली बारी लेगा, और जीतने वाले को जो है उसको पॉइंट्स मिलेंगे, और लूज करने के ऊपर जो है वो पेनल्टी मिलेगी। तो वो जो गेम है, जिन पैरामीटर्स पे फॉर्मली फॉर्म डिसाइड होगी, वो हमारे पास एक स्टार्टिंग स्टेट वो क्या है, पॉसिबल लीगल मूव्स हमारे पास कौन सी हैं, कितनी मूव्स वो ले सकता है, और टर्मिनल टेस्ट कौन से हैं, यानी किस नोड के ऊपर जाके जो है वो गेम ख़त्म हो रही है, का फैसला हो रहा है, वो जीत रहा है, और वो यूटिलिटी फंक्शंस हैं या वो पे ऑफ फंक्शंस हैं जो कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं गेम के लिए, जैसे विन के केस में लेट्स से +1 है, लूज के केस में 1 और या -1, और ड्रॉ के केस में जो है वो 0 है। तो ये चार पांच चीज़ें हैं जो कि डिफाइन कर रही हैं कि एक गेम को किस तरह से आप जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे ये एक एग्जांपल है अब मिन मैक्स की सूरत हाल की, कि मैक्सिमम प्लेयर जिसकी पहले बारी है, प्लेयर वन जो कि एक्स लगाता है, तो पहले बोर्ड की पोजीशन खाली है, तो अब उसके पास एक्स लगाने की टोटल 9 पॉसिबल मूव्स हैं, क्योंकि 9 खाने हैं तो वो कहीं पे भी एक्स लगा सकते हैं, तो ये सारी पॉसिबल मूव्स आ जाती हैं। अब जब उसने बारी ले ली है, तो अब मेन प्लेयर की बारी है। अब मेन प्लेयर क्या करेगा, अगर किसी एक इसमें से स्टेट के ऊपर मेन प्लेयर खड़ा हुआ है, तो फिर अब वो क्या डिसीजन लेगा। सो लेट्स से अगर वो स्टेट वन के ऊपर खड़ा है, तो अब उसके पास ओ लगाने के लिए जो है वो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 8 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये जो टोटल सेट है, ये हमारे पास 8 पॉसिबल मूव्स का होगा। अब यहाँ पे वो वहाँ वो पिक करने की कोशिश करेगा ऑब्वियसली, जहाँ पे जो है वो प्लेयर हमारा मैक्स है वो हार सके। इसी तरह से जब प्लेयर टू बारी ले लेगा, फिर मैक्स की बारी आएगी,
और मैक्स वाला जो प्लेयर है वो एक्स लगाने के लिए फिर डिसाइड करेगा कि अब मुझे कहाँ लगाना है, और अब दिस टाइम उसके पास 7 पॉसिबल मूव्स होंगी और वो कोशिश करेगा कि वो वहाँ लगाए जहाँ से उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। इसी तरह से जो है वो आगे जाता जाएगा और इवेंचुअली आप टर्मिनल स्टेट्स के ऊपर पहुंच जाएंगे, और टर्मिनल स्टेट में ये वाला स्टेट वो स्टेट है जिसमें जो हमारा मैक्स प्लेयर है वो हार है, तो इसलिए हमने इसकी जो यूटिलिटी है वो -1 रखी है, और ये वाला वो स्टेट है जिसमें ना प्लेयर 1 जीता ना प्लेयर 2, तो इसकी यूटिलिटी 0 है, और इस वाले केस में जो है हमारे पास प्लेयर 1 विन करके है क्योंकि ये एक्स एक्स 3 के जो बन गए हैं डायगनली, तो इसकी यूटिलिटी जो है वो +1 है। तो फिलहाल ये ब्रूट फोर्स है और या ब्रिटिश म्यूजियम अप्रोच है जिसमें अभी हम देख रहे हैं कि सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो मिनीमैक्स एल्गोरिदम अब बेसिकली क्या करेगा, वो ये करेगा कि इफ द लिमिट ऑफ द सर्च हैज बीन रीच्ड कंप्यूट द स्टैटिक वैल्यू ऑफ द करंट पोजीशन रिलेटिव टू द अप्रोप्रिएट प्लेयर। तो जब सर्च आपकी ख़त्म हो जाती है तो आप जिस भी नोड के ऊपर खड़े हैं आप उसकी जो है वो स्टैटिक वैल्यू को कंप्यूट करेंगे उस हिसाब से कि जिस प्लेयर की इस टाइम पे बारी होगी उसकी बारी के हिसाब से। अगर तो सर्च ख़त्म नहीं हुई तो फिर आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि बारी किसकी है, अगर बारी जो है वो मिनिमाइजिंग जो मिनिमाइजर की है तो फिर आप क्या करेंगे उसके चिल्ड्रन के ऊपर जो है वो वाली वैल्यूज के चिल्ड्रन के ऊपर से देखेंगे जो कि उनमें से मिनिमम होगी, और अगर आप मैक्सिमाइजिंग लेवल के ऊपर खड़े हुए हैं तो आप अपने चिल्ड्रन की वो वाली पोजिशन देखेंगे जो वो वाली वैल्यू लेंगे जो कि सबसे मैक्सिमम होगी। तो जो एग्जाम्पल से ये बात ज़्यादा समझ में आएगी लेकिन मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि हमने क्या करना है, हमने हर नोड के ऊपर खड़े होकर जो है वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, और वो वैल्यूज़ हमने कैसे कैलकुलेट करनी है ट्री में जिस भी नोड के ऊपर खड़े हैं उसके चिल्ड्रन को देख के, और इस बात को देख के कि इस पॉइंट पर खड़े हुए किस प्लेयर की बारी है, अगर वो मैक्सिमाइजर की बारी है तो वो इन दोनों की में से मैक्सिमम वैल्यू पिक करेगा, अगर वो मिनिमाइजर की बारी है तो फिर वो इन दोनों नोड्स में से मिनिमम वैल्यू लेगा और वो इस नोड के ऊपर एडजस्ट करेगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये हमारे जो है वो लीफ नोड्स हैं, और लीफ नोड्स में ये जो हमारे पास जो जब नोक टॉप के ऊपर आती है तो हम इसको मैक्स कहेंगे, और जब हमारे पास नोक नीचे आती है डाउनवर्ड्स तो हमको मेन ओपोनेंट कहेंगे। तो सबसे पहले जब आपके मैक्स ने बारी लेनी है तो मैक्स अगर आपका बारी लेता है तो इस स्टेट के ऊपर अगर वो खड़े होके देखे तो इसको वो वाली वैल्यू पिक करनी है अपने चिल्ड्रन की जिससे इस वो वाली मूव लेनी है जिससे इसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए। तो वो अब इसमें और इसमें और इसमें ये 3 मैक्सिमम वैल्यू है तो इस टाइम पे वो कौन सी मूव लेगा, वो A1 मूव लेगा, तो इसकी यूटिलिटी भी 3, इसकी वैल्यू नोड वैल्यू भी 3 हो जाएगी। इसी तरह से अगर वो इस पॉइंट के ऊपर खड़ा है तो वो कौन सी वाली मूव लेगा, क्योंकि अब ये मिनिमम वाले ओपोनेंट यानी हमारे ओपोनेंट की बारी है तो इस इन तीनों में से उसके चिल्ड्रन में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो ये होगी, तो मिनिमम ओपोनेंट जो है वो ये वाला पाथ पिक करेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 जो है वो इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू पिक करेगा तो वो A21 लेगा, और ये वाला 2 भी जो है वो मिनिमम वैल्यू पिक करेगा तो ये वाला 2 है, तो मूवमेंट जो है वो A33 की होगी। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें कि अब ये हमारे पास जो है वो लेट्स से ट्री है, और हम अपनी सर्च करते हुए जब फाइनल लीफ नोड्स पे पहुंच गए हैं तो हमें उनकी यूटिलिटी का पता चल गया है, क्योंकि लीफ नोड्स पे जाके फैसला हो जाता है कि गेम जीतनी है हारनी है या जो भी जिस भी स्टेट पे खड़ी होना है। तो अब लेट्स से यहाँ पे 2 और 7 था, तो जब हम इस नोड के ऊपर आए तो फिर हमने ये देखा क्योंकि ये मिनिमाइजिंग लेवल है तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी तो वो वाली हमने लेनी है, तो इस नोड की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। इसी तरह से इस स्टेट पे खड़े होके हमने देखा कि जी मिनिमम वैल्यू 1 है तो फिर हमने ये पिक कर दी। अब जब ये वाला लेवल फेल हो गया तो इस लेवल से ऊपर जब हमने देखा मैक्सिमाइजिंग लेवल था, तो अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमने ऊपर एडजस्ट कर दी है। अब यहाँ पे वही जो टिक टैक टो की एग्जांपल जो पहले दी थी उसी को मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे 2 प्लेयर्स हैं, प्लेयर अगर एक्स जीतता है तो उसको स्कोर मिलेगा 10 का, अगर जो है वो ओ वाला प्लेयर जीतता है तो उसका स्कोर 10 में से कम हो जाएगा, -10 मिलेगा, और अगर ड्रॉ है तो स्कोर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो अगर हम लेट्स से इस स्टेट के ऊपर खड़े हैं और बारी इस टाइम पे ओ की हो, ओ प्लेयर की हो,
तो फिर हम देखें कि तीन, क्योंकि खानी खाली है तो तीन पॉसिबल मूव्स ही हैं, तो अगर ओ जो है वो इसने प्लेयर ने ओ वाले ने या यहाँ लगा दे तो, या फिर यहाँ लगा दे या फिर वो यहाँ पे लगा दे। तो जब वो इस स्टेट के ऊपर लगाता है तो इस स्टेट में आप नीचे अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों स्टेट्स के ऊपर उसको क्या हो रहा है, उसको दोनों स्टेट के ऊपर ओपोनेंट जीत रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाली मूव लेने की जो यूटिलिटी है वो -10 होगी, क्योंकि इस केस में जो है वो ओपोनेंट जीत रहा है हमारा। तो सिमिलरली इस स्टेट के ऊपर भी हमारा ओपोनेंट जीत रहा है, तो ये मूव लेने से तो इसकी भी हमारे पास जो वैल्यू है -10 होगी। तो और यहाँ पे अगर हम खड़े हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर जब आप ओ इधर लगाते हैं तो फिर उसके बाद ओ लगाने से भी स्टेट में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब बाद में नेक्स्ट हमारे एक्स प्लेयर की बारी आती है तो वो यहाँ पे जीत सकता है। तो इसलिए इस पाथ की जो यूटिलिटी है वो 10 है। तो जो प्लेयर ओ की अगर बारी होगी तो वो अपनी यूटिलिटी को वो कोशिश ये करेगा कि उसने चूंकि जीतना है तो वो इन दो या ये वाले स्टेट की तरफ मूव करेगा या ये वाली स्टेट की तरफ मूव करेगा, वो इस तरफ मूव नहीं करेगा जहाँ पे एक्स जो है वो जीत रहा हो। तो अब टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी मिन मैक्स एल्गोरिदम की, वो हमें ज़ाहिर है डेप्थ तक उसको जाना होगा, लीगल मूव्स देखनी होगी कितनी है, कि ब्रांचेस जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो रफली जो है वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी b^m हो जाएगी। एल्गोरिदम का बिहेवियर बिल्कुल डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह ही है। आपने देखा कि वो लेफ्ट सबसे रूट पे जाता है, रूट से फिर टॉप के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लेवल बाय लेवल ऊपर शिफ्ट होना शुरू होता है। तो जो स्पेस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो लीनियर हैं क्योंकि DFS है, और हम जानते हैं कि DFS में हर ब्रांच सारी ब्रांचेस को हम इकट्ठे सेव नहीं करते, हम बारी बारी एक्सप्लोर करते जाते हैं। तो और BFS की तरह इसका बिहेवियर नहीं है, इसलिए इसकी भी स्पेस रिक्वायरमेंट्स जो है वो DFS की तरह लीनियर इन MNB है। तो इसके साथ अब इश्यूज क्या आते हैं, अब इश्यूज ये हैं कि सिर्फ इसी बात के ऊपर डिसीजन रखना कि एक वैल्यू एक स्टेटस है, ये पुअर समरी है। ये बात कई केसेस में सही चल जाएगी, कोई ऐसे स्पेशल केसेस भी आएंगे, कोई स्पेशल गेम्स भी आएंगे जहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू जो है वो काफ़ी नहीं होगी, कोई और फीचर सेट भी में भी हमें यूज़ करना पड़ जाए। दूसरी बात ये बात है कि ये इतनी सारी कॉम्पिटेशंस करना, जब ट्री बड़ा हो जाएगा ब्रांचेज ज़्यादा हो जाएंगी डेप्थ ज़्यादा हो जाएगी, तो ये बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो अब हमें फिर इसका कोई एक और जो है वो हल तलाश करना पड़ता है, जिसमें ये है कि हम सारी ब्रांचेस को क्यों एक्सप्लोर करते हैं, हमारे पास कोई तरीका क्यों ना हो कि हम कोई ब्रांच सेट जो है वो उसको एक्सप्लोर ना करें, अवॉइड कर दें, और हम फैसला कर सकें कि जी इन दोनों में से मुझे इसी पाथ को एक्सप्लोर करना चाहिए। इसको हम कहते हैं प्रूनिंग ऑफ द ट्री बेसिकली, यानी कि आप सारे ट्री ना करें। जैसे बाल होते हैं, कोई एक्स्ट्रा शाखें अगर निकली हुई हैं या बालों में से, तो हम उनको काट देते हैं ताकि बाल की जो ग्रोथ है वो ठीक हो। इसी तरह से जो ट्री की एक्स्ट्रा शाखें हैं अगर जो निकली हुई हैं जो किसी काम की नहीं है, हम वो उसको भी काट सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो है वो कॉम्प्यूटेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, टाइम भी बच सकता है कि जिन शाखों का हमें पता है हमारे इस्तेमाल की नहीं, हम उनको इस्तेमाल ना करें। तो ये जो आइडिया है ये बेसिकली बहुत पहले प्रपोज हुआ हुआ है। तो जो शैनन थे उन्होंने प्रपोज किया कि क्यों ना आप कोई हेरिस्टिक इवैल्यूएशन फंक्शन अप्लाई कर दें जो कि ये बता सके कि दाएं जाना है या बाएं जाना है, यानी इंक्लाइनेशन है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कोई एक ऑप्शन हमारे पास आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए जो आपको ये अप्रोच बता सके, कोई बात बता सके कि मूव किस तरफ की लेनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर हम हेरिस्टिक वैल्यूज के ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे तो फिर हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन है वो चेंज होकर वैल्यूएशन फंक्शन बन जाएगा, और हमारे जो टर्मिनल टेस्ट हैं वो हमारे कट ऑफ टेस्ट से रिप्लेस हो जाएंगे। सो टर्मिनल टेस्ट वो थे क्योंकि हमें एंड बिल्कुल एंड पे टर्मिनल पे जाना पड़ रहा था लीफ नोट्स के ऊपर, और फिर हम उनसे लेवल अप होके अपनी नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन अब ये है कि हम बिल्कुल सबसे नीचे ना जाएं और कहीं ऊपर ही शॉर्टकट लेके, शॉर्टकट्स यानी कि लुक अहेड जो है वो थोड़े लेवल के ऊपर करें और फिर देख सकें कि जो है वो वैल्यू क्या बनती है, बजाय ऐसे कि पूरा ट्री जो है वो एक्सप्लोर करते रहें। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है इस टाइम पे कि जिसमें हम अगर स्टेट पे खड़े हैं, लेट से ये हमारे पास चेस का स्टेट है, तो यहाँ पे खड़े होके अगर हम हेरिस्टिकली या वैसे ही कोई नॉर्मली एक रफ गेस दे सकें तो हमें ये अंदाजा होता है कि फेयरली इवन है इस टाइम पे, ब्लैक ओपोनेंट या वाइट ओपोनेंट के जीतने के चांसेस तकरीबन बराबर ही हैं।
लेकिन जब हम इस स्टेट के ऊपर जाते हैं तो अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा गेम का चेंज हो चुका है, पैटर्न उसका चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे नज़र कुछ ये आ रहा है कि जो वाइट है उसका जो कहते हैं पलड़ा ज़रा भारी लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वाइट के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसी तरह से इस स्टेट पे ब्लैक के जीतने के चांस ज़्यादा हैं और यहाँ पे कुछ ये महसूस हो रहा है कि वाइट जो है वो हार जाएगा। तो गेम्स की कोई ऐसे स्टेट्स भी होते हैं जहाँ पे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये वाली मूव लेने से ह्यूमन एक आम जो है वो अंदाज़ा करता है कि मैं ये चीज़ अगर, या लेट्स से मैं अपना जो है वो जो हमारे पास होता है वजीर जिसको कहते हैं, वजीर निकाल दूंगा और उसको उधर खड़ा कर दूंगा तो फिर जो है वो चांस ज्यादा हो जाएगा मेरा जीतने का, या मैं फीला पहले निकाल दूंगा या मैं तोप पहले निकाल दूंगा। तो ये ह्यूमन जिस तरीके के साथ होता है, इसी तरह से वो जो हमारे वैल्यूएशन फंक्शन है वो भी कोई क्राइटेरिया, कोई एक फीचर सेट रख सकता है और हर एक पैटर्न और हर एक फीचर की कोई वेटेज हो सकती है और उसके ऊपर वो फैसला कर सकता है। तो अब सिर्फ यूटिलिटी नहीं रही, अब बात जो है वो थोड़ी सी फीचर सेट के ऊपर चली गई है। तो जो हमारा वैल्यूएशन फंक्शन है जिसमें मैंने जिक्र किया है कि वो मल्टीपल फीचर्स और उनके वेट्स का जो है वो सम हो सकता है, तो उससे एक जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू डिफाइन करेगी कि वो जो स्टेट है वो कितना अच्छा है उस स्टेट, या वो मूव जो है वो कितनी अच्छी है। तो लेकिन इवेल्यूएशन फंक्शन का साथ ही साथ अब जब हम यूटिलिटी से उसको चेंज करें तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो भी आंसर निकालते हुए इतना लंबा टाइम ना ले और हमें एक्चुअली में हमारे चांसेस बताए कि जीतने के कितने हैं, तो तभी हम हमारे लिए वो बेहतर होगा, अदरवाइज हमारे लिए इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो हमारे पास जो जैसे प्रॉब्लम है आपको मैंने बताई कि टाइम गेम्स जो है वो अगर बहुत टाइम हो, फ्री का टाइम हो, फिर तो आप सारी पॉसिबल मूव्स चेक कर लें। लेकिन अगर आपके पास कई गेम्स आती हैं जिसमें टाइम लिमिट होती है, जैसे चेस की गेम में ही मूव पूरी करने के लिए एक ओपोनेंट के पास अगर 150 सेकंड्स होते हैं, तो फिर उस केस में आप वो सारी पॉसिबिलिटीज नहीं चेक कर सकते। आप टर्मिनल नोड्स तक जाके फाइनल वैल्यूज के हिसाब से ऊपर लेवल बाय लेवल नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता। आप एक हद लिमिटेड डेप्थ के ऊपर जा सकते हैं। मैंने जैसे जिक्र किया कि एक मूव करने के बाद अगर यहाँ पे इस टाइम पे 35 ब्रांचेस बन जाएं, 35 पॉसिबल मूव्स बन जाएं, तो फिर कितना मुश्किल हो जाएगा। तीन से चौथी डेप्थ में ही जाते हुए जो है वो आपका काम खत्म हो जाएगा और ओपोनेंट बड़ी आसानी से जो प्लेयर है वो हार सकता है आपका, क्योंकि कंप्यूटर का जो प्लेयर है, क्योंकि आपके अपने टाइम लिमिट का ख्याल नहीं रखा था। तब ऐसी सूरत हाल में फिर बाज़ुकात फिर हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं टाइम और कैलकुलेशंस के अंदर। तो उसके लिए जो अप्रोच है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी वो है प्रोग्रेसिव डेपनिंग सर्च, जो कि यही करेगी कि हम पहले अपना डी डिसाइड कर लेंगे। तो मे बी वो ये करेगा कि लेट्स से जितनी भी ब्रांचेस बनती हैं, अगर डी हमारा 1 है तो वो इसके ऊपर अपनी वर्ड्स को कैलकुलेट कर लेगा, अगर टाइम है तो फिर वो सेकंड लेवल पे डी अपना इंक्रीज करेगा और फिर अगले लेवल्स के ऊपर वैल्यूज कैलकुलेट करके ऊपर वाली नोड्स की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन डी बढ़ाते जाएंगे। तो डी को पहले 1 करें, सर्च स्टार्ट करें, अगर टाइम खत्म हो जाता है रुक जाएं, अगर टाइम खत्म नहीं हुआ तो डेप्थ बढ़ाएं और दोबारा से अगली लेयर को एक्सप्लोर करें, अगली पॉसिबिलिटीज चेक करें और अपनी जो नोड की वैल्यूज हैं उनको ठीक करें या उनको इम्प्रूव करें ताकि बेहतर मूव्स पे की जा सके। तो जो नंबर ऑफ अंदाज़ा जो है ना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का, वो आप इन फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं कि कैसे नंबर ऑफ नोड्स जो है वो ट्री में ग्रो करती हैं। तो अगर जो है हमारे पास, आपको पता है लीफ नोड्स जो हैं वो बी रेस टू पार डी होती है, तो पहली रूट नोड एक होती है, अगली उसके ऊपर हमारे पास बी ब्रांचेज आती हैं सो ऑन, फिर बी स्क्वायर आती हैं, फिर बी क्यूब, तो विदाउट लीफ नोड्स अप टू बी डी माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो बी नोड से लेकर प्लस करते रहे सम ऑफ सीज अप टू बी डी बनती हैं। तो विदाउट लीफ नोड्स हमारे पास ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होता है सम ऑफ सीरीज का। तो अब क्या है कि जो इनकी रेशियो है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ नोड्स इन द बॉटम लेवल एंड नंबर ऑफ नोड्स अप टू द बॉटम लेवल, तो वो रेशियो हमारे पास ये बनती है कि हमारे हमने डिवाइड कर दिया है बी डी जो लीफ नोड्स हैं उसको किस चीज़ से, इस वाली रेशियो से जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट करी है। तो ये रेशियो फार्मूला हमारे पास बी माइनस 1 का बनता है। तो बेसिकली कोई इतना जब जब ये बताने का मकसद ये है कि जब हम प्रोग्रेसिव डेपनिंग सर्च इस्तेमाल करते हैं तो हमें इतना टाइम का इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आप डेप्थ जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो कोई खा इतनी ड्रामेटिक
टाइम चेंज उस पॉइंट पे नहीं हमारे पास आ रही होती। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास जो तरीका हो सकता है कि हम डेप्थ, एक तो हमने अप्रोच देख ली कि आप डेप्थ लिमिट कर लें, और दूसरी अप्रोच हम एक ये देख रहे थे कि हम सिर्फ अपनी ज़रूरत के तहत ही अपने ट्री में से प्रूनिंग करें। जैसे एक एग्जांपल दी हुई है, तो इस ट्री के अंदर हमने ये वाला एरिया एक्सप्लोर ही नहीं किया, ना इसको एक्सप्लोर किया ना इसको एक्सप्लोर किया। तो हम अपना जो है ना किसी स्पेशल कोई डिसीजन की बेस के ऊपर भी हम ये देख सकते हैं कि जिस शाख को में हमें डिसीजन अगर हमारा हो गया हुआ है, तो इस ब्रांच को फर्दर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रूनिंग का कंसेप्ट मैंने अभी पहले आपको दिया है। अल्फा बीटा का जो प्रिंसिपल है वो ट्री प्रूनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है इस टाइम पे, वो वाली ब्रांचेस को कट ऑफ कर रहा है या वो वाली ब्रांचेस को एक्सप्लोर नहीं कर रहा जिनको हमें आइडिया, जिनकी टॉप लो लेवल्स के ऊपर ही हमें आइडिया हो जाए कि उससे नीचे जाने से हमें नुकसान होगा। तो वो किस तरह से है, सो लेट से हम देखते हैं कि अगर हमें कोई भी मालूमात नहीं है ट्री के बारे में, और जब हम टॉप से बॉटम तक आए लीफ नोड तक, तो हमें पता चला है कि ये वाली नोड है इसकी वैल्यू 2 है। तो अगर इस बात का हमें अंदाजा हो गया है कि इसकी वैल्यू 2 है, तो हम इधर अगर उससे एक स्टेप ऊपर लेवल के ऊपर अगर वैल्यू प्रोपेगेट करें, तो मिनिमाइजिंग लेवल पे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू आएगी वो या तो 2 होगी या 2 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि इस मिनिमाइजिंग लेवल ने वो डिसीजन लेना है कि मिनिमम वैल्यू आए, तो वो 2 लेगा, या इस दूसरी नोड के ऊपर जो भी वैल्यू आती है अगर वो इससे कम है, तो फिर वो वाला डिसीजन ले लेगा। तो जब हमें एक आइडिया हो गया कि ये होगा, जब हम इस नोड को एक्सप्लोर करेंगे तो ये 7 है, तो 7 आने के बाद अब हमें कंफर्म पता चल गया कि जो इस नोड की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू 2 सेट हो गई है मिनिमाइजिंग लेवल के तहत। तो जैसे ही इस लेवल की वैल्यू इक्वल टू 2 सेट हुई है, तो इसके टॉप के लेवल के ऊपर ये इंफॉर्मेशन प्रोपिगेट हो जाएगी कि जो मैक्सिमाइजिंग लेवल है, तो यहाँ पे जो भी डिसीजन होगा उस नोड की वैल्यू या तो 2 आएगी या 2 से बड़ी आएगी। तो अब इसका जो फाइनल फैसला है, वो फाइनल फैसला हम ये वाली नोड को एक्सप्लोर करके करेंगे। तो अब जब हम क्या करेंगे, फिर हम उससे नेक्स्ट जो है वो ब्रांच की तरफ मूव करेंगे। तो हमारे पास पहले अभी इस ट्री को हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, और इस नोड तक हमें अभी ये वाली बात पता चली है कि जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। तो हम क्या अब हमने किया है कि अब हमने इस ब्रांच की तरफ मूव किया, और हमने ये वाली नोड जब एक्सप्लोर की तो देखा ये 1 है। तो अब इस ये चूंकि मिनिमाइजिंग लेवल है, तो उसका मतलब इस नोड के ऊपर वैल्यू या तो 1 होगी या फिर उससे छोटी होगी या उसके बराबर होगी। तो अब अगर यहाँ पे इस बात का फैसला हो गया है कि ये 1 इससे छोटी होगी इसके बराबर होगी, तो इससे ऊपर टॉप पे हमें कंफर्म पता चल गया, क्योंकि टॉप वाला लेवल मैक्सिमाइजिंग लेवल था, तो 1 से छोटी वैल्यू या 1 के बराबर वैल्यू या 2 के दरमियान में अगर हमने डिसीजन लेना हो, तो ऑब्वियसली मैक्सिमाइजिंग जो लेवल है वो 2 का डिसीजन लेगा। तो टॉप लेवल के ऊपर वैल्यू डिसाइड हो जाएगी कि इक्वल टू 2 है, और इस वाली नोड को हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इस ब्रांच को हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब है कि ये ब्रांच प्रून हो गई है। तो बेसिकली ये अल्फा बीटा का प्रोसीजर है। क्या अभी आपने देखा कि हमने सिर्फ थोड़े से लेवल्स के ऊपर ही अपनी एक जो सर्चिंग की कॉस्ट जो है वो हमने अपनी बचा ली है। तो अल्फा बीटा का प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ यू हैव एन आइडिया दैट इज श्योरली बैड, अगर आपको पता चल गया है कि ये जो रास्ता है ये पक्का खराब है, तो उसको देखने के लिए अपना टाइम जाया ना करें। डू नॉट टेक टाइम टू सी हाउ ट्रूली ऑफल इट इज, यानी कि आप क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस ब्रांच को क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसमें आपको पता है कि यहाँ पे इसके बाद आपको कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला। तो उससे बहुत बुरा भी मिल जाए तो हमें कोई फायदा नहीं है। यानी कि अगर आपको बेस्ट मूव का पता चल गया है, तो फिर आपको क्यों वो पाथ लेना है कि जहाँ पे जो है वो आपको बेस्ट मूव से कम कोई ऑप्शन मिल रहा है। हम थोड़ा सा अब इसको ना बड़े ट्री के ऊपर एक्सप्लोर करते हैं। सो बड़े ट्री में हमारे पास ब्रांच फैक्टर जो है वो 3 है, और इसमें जो है वो सीक्वेंस इस ब्लॉक्स के अंदर मेंशन नहीं है कि पहले क्या चेक होगा, फिर सेकंड नंबर पे क्या चेक होगा, और थर्ड नंबर पे सो ऑन। तो सबसे पहले जो है ना वो हम यहाँ पे ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट नोड, ये वाली हम देखेंगे लेफ्ट साइड पे, जिसकी वैल्यू 8 होगी। तो जब इसकी वैल्यू 8 होगी, तो ये जो है वो स्टेप नंबर 2 यहाँ पे आएगा, और ये वैल्यू सेट हो जाएगी कि या तो, चूंकि ये मिनिमाइजिंग लेवल, हम लिख देते हैं कि टॉप पे मैक्सिमाइजिंग लेवल है, ये मिनिमाइजिंग लेवल है, और भी जो बीच वाला लेवल है ये मैक्स लेवल है, और फिर उसके बाद जो लोएस्ट लेवल हमारे पास आता है। तो अब चूंकि ये हमारे पास मैक्सिमाइजिंग लेवल है, तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू इधर जो भी आनी चाहिए वो तो या 8 आनी चाहिए या 8 से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, तो स्टेप 2 में हमारे पास इस बात का डिसीजन हो गया। फिर स्टेप नंबर 3 पे हम अगली नोड को चेक करेंगे, वो 7 होगा,
तो उसके बाद 7 से भी हमारे डिसीजन में कोई चेंज नहीं आई, तो फिर हम उसे अगली नोट देखेंगे जो कि 2 है, और अब हमारा पक्का फैसला हो गया 4 ये तीनों इवैल्यूएट करने के बाद कि इस वाले लेवल पे वैल्यू 8 ही होगी, क्योंकि मैक्सिमाइजिंग लेवल है ये, मैक्सिमाइजिंग प्लेयर की बारी है, तो वो जो है वो ये वाली ब्रांच को ही पिक करेगा डिसीजन लेने के लिए। तो जैसे ही हमारा ये फैसला हो जाता है कि ठीक है जी ये हमारे पास मैक्सिमम इस वैल्यू 8 है, तो इससे जो टॉप वाली नोड है जो कि हमारे पास 8 है, उसके ऊपर ये डिसीजन हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो या तो 8 होगी या 8 से कम होगी। तो जो हमारे पास 6 है, जो 6th स्टेप है, वो हमारा ये हो गया कि इससे टॉप लेवल के ऊपर इस बात का फैसला हो गया कि वैल्यू 6 8 से कम होगी या 8 होगी। अब 6 के बाद जो हमारा 7th स्टेप आता है, 7th स्टेप में हमारे पास अब इसे नीचे बात जाएगी इस वाली ब्रांच में, तो 9 का डिसीजन होगा। तो जब 9 का डिसीजन होगा तो 8th स्टेप पे इस वाली नोड का फैसला हो जाएगा कि ये 9 के बराबर आएगी, 9 से बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये मैक्सिमाइजिंग लेवल है। तो अब चूंकि ये 9 है और इससे 8 मिला था, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 9th स्टेप है वो अब कहाँ पे जाएगा, इस वाली चीज को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, 9th स्टेप जो है वो इधर चला जाएगा। तो 9th स्टेप के ऊपर आप देखेंगे कि 2 है, तो 10th स्टेप पे इस नोड की वैल्यू सेट हो जाएगी कि 2 या उससे बड़ी। तो 11th स्टेप पे फिर आप इस 4 को देखेंगे और इस 4 की जो वैल्यू है वो आपको पता चल जाएगी कि मैक्सिमाइजिंग लेवल इसमें से 4 देखेगा, तो 2 से चेंज होकर 4 हो जाएगा। जब आप 13th स्टेप पे देखेंगे तो वो जो 13th स्टेप पे आपको पता चलेगा कि वो 1 है, तो इस नोड की वैल्यू जो है वो 4 सेट हो जाएगी। तो जब इस नोड की वैल्यू 4 सेट हो जाएगी तो अब आपके पास तीनों का स्टेटस पता चल गया है 14, तो 15वां काम ये होगा कि जो मिनिमाइजिंग लेवल है वो इन सब में से मिनिमम वैल्यू को पिक करेगा। तो मिनिमम वैल्यू 8 9 और 4 में से जो है वो हमारे पास आई आई है 4। तो अब ये बात जो है कि 1 और 6 को उसने क्यों नहीं देखा, इसको मैं फिर से बता देती हूँ। वो इसलिए नहीं देखा क्योंकि पहली वैल्यू आपको 8 पता चली थी, दूसरी वैल्यू आपको पता चली है कि 9 या उससे बड़ी है, तो अब आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिनिमाइजिंग लेवल ने मिनिमम वैल्यू पकड़नी है। तो वो 8 और 9 में से लाजमी 8 की तरफ जाएगा अगर ये वैल्यू वो आती है छोटी आती है तो इसकी तरफ चला जाएगा, अगर बड़ी आती है तो फिर वो 8 की तरफ जाएगा। तो इसीलिए फिर हमने 9 को बिल्कुल ही अगली ब्रांचेस को चेक ही नहीं किया, क्योंकि हम फैसला यहीं पे कर चुके थे पॉइंट नंबर 8 के ऊपर कि इसको आगे एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जब आपका 15वें स्टेप का फैसला हो गया, उस नोड का फैसला जैसे ही हो गया तो आप टॉप नोड पे चले गए, और जब वो 4 था तो टॉप नोड मैक्सिमाइजिंग लेवल है, तो आपको पता चल गया कि 4 या उससे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, फिर 16 के बाद फिर आप 17वें पॉइंट पे गए, यहाँ पे आपने इस नोड को एक्सप्लोर किया और आपको पता चला कि जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइजिंग नोड पे 1 या उससे बड़ी आनी चाहिए। 18वां नंबर, फिर 19 को आपने देखा और फिर 3 आ गया, तो अब जो वैल्यू आपने 3 या उससे बड़ी आनी चाहिए। फिर आपने 21 को देखा, 21.5 को देखा, तो वैल्यू सेट हो गई इस नोड पे 5 के बराबर। अब जैसे इसकी वैल्यू 5 के बराबर सेट हो गई तो मिनिमाइजिंग नोड के ऊपर हमें ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए या 5 के बराबर होनी चाहिए। जब हम यहाँ पे आए 23-24 पॉइंट पे आए, तो 3 को जब एक्सप्लोर किया तो 3 को एक्सप्लोर करने से हमें पता चला कि जी ये वाली जो पॉइंट है वो 3 या उससे बड़ा होगा। फिर आपने उसको 9 को देखा, 26वें पॉइंट पे देखा, तो ये वैल्यू 9 या उससे बड़ी आई। जैसे ही ये वैल्यू 9 या उससे बड़ी आई तो आपको ये आइडिया हो गया कि जो मिनिमाइजिंग लेवल है वो 9 को कभी भी नहीं देखेगा, वो 5 को ही पिक करेगा क्योंकि वो मिनिमाइजिंग है। तो आपने इसकी मजीद जो सेकंड ब्रांच है इसको एक्सप्लोर नहीं किया। इसी तरह से जब आपने जब फैसला कर लिया कि ठीक है वो 5 से लेस पे ऊपर गया, तो फिर आपका जो 27 के बाद आप 28वीं नोड के ऊपर गए, तो 28वीं नोड के ऊपर आप गए तो आपने देखा ये 6 है, तो ये वाली वैल्यू आपने सेट कर दी कि 6 या उससे बड़ी आएगी, लेकिन आपको फर्दर ये ब्रांचेज एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू जो है वो 5 से कम होनी चाहिए, तो 5 के कुल सेट हो जाएगी तीनों लेवल्स में से, 6 5 और 9 में से जो है वो 5 सेट हो जाएगा, तो ये लेवल्स एक्सप्लोर नहीं होंगे। इसी तरह से जब जैसे ही आपकी ये वाली वैल्यू इक्वल 2 में डिसाइड होगी, तो मैक्सिमाइजिंग लेवल के ऊपर जो 31 पे ये वैल्यू जो है वो सेट हो जाएगी कि 5 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। फिर जब आप इस साइड के ऊपर जाएंगे, आप ये फिर जो 31 के बाद 32 पॉइंट पे जाएंगे, ये 1 है, ये सेट हो जाएगा कि मैक्सिमाइजिंग लेवल पे 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, उसके बराबर आएगी।
फिर आप टू को देखेंगे, और टू में जो है वो 34 स्टेप पे टू देखेंगे, और टू से बड़ी फिर ये 35 स्टेप पे सेट हो जाएगा। 36 स्टेप के ऊपर थ्री आएगा तो फिर ये थ्री के इक्वल सेट हो जाएगा, क्योंकि अब कोई ब्रांच एक्सप्लोर करने वाली नहीं है। जैसे ही इक्वल टू सेट हुआ, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी कि थ्री से कम वैल्यू होनी चाहिए स्टेप नंबर 38 पे। लेकिन अब आपके सामने ये है कि इधर वैल्यू 4 है, यहाँ वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी है, और यहाँ पे 3 से कम या उसके बराबर वैल्यू आएगी, तो ये सारा एरिया एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऊपर वैल्यू जो मैक्सिमाइजिंग लेवल पे 5 सेट हो जाएगी। तो आपने अब शायद देख लिया है कि किस तरीके के साथ हमने कितनी ट्री की जो ब्रांचेज हैं उनको एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि हमारे पास एक स्टेप जब हम ऊपर अपना इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट या इंफॉर्मेशन पास करते गए हैं, तो हमें आइडिया हुआ है कि उन जो ब्रांचेस जिनसे हमें बैड कंक्लूजन्स मिल सके हैं उन्हें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अभी आपने देखा कि हम एक लेवल के ऊपर बारी बारी एक स्टेप जो है वो एक लेवल के हिसाब से ऊपर इंफॉर्मेशन को प्रोपिगेट कर रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जब डेप्थ बढ़ती जाती है तो क्या वन लेवल की एक्सप्लोरेशन काफ़ी होती है? तो बाजू का आती है कि हमें अपने ये जो कट ऑफ्स हैं ये हम बढ़ा भी सकते हैं, और जब हमारे लेवल्स बढ़ जाते हैं तो बजाय ये कि वन स्टेप देखने के, मोर देन वन स्टेप्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन भी हम प्रोपिगेट करना शुरू कर देते हैं। तो अब किस तरीके के साथ ये बिग कट ऑफ की जो सर्चिंग है उसको हम ट्रैक रखे जाएं, उसके लिए ये जो एल्गोरिथम जो आपको समझाया है इसको जेनेरिक टर्म्स में लोग अल्फा और बीटा पैरामीटर्स के साथ करते हैं। तो उसमें हम इनिशियली ये करते हैं कि जो अल्फा की जो वैल्यू है वो सबसे लीस्ट वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं कि नेगेटिव इन्फिनिटी, और बीटा की वैल्यू हम पॉजिटिव इन्फिनिटी अज्यूम कर देते हैं, और फिर वो नोड्स के ऊपर रिकर्सिवली ये एल्गोरिथम कॉल करते रहते हैं, नोड्स एक्सप्लोर करते जाते हैं और उनके टॉप लेवल्स की जो नोड्स हैं उनके ऊपर वैल्यूज को जो है वो अपडेट करते जाते हैं। तो जो अल्फा बीटा का बेसिकली प्रोसीजर है वो क्या करता है कि जो ट्री प्रूनिंग कर तो रहा है, लेकिन उससे अब हमें एडवांटेज क्या मिल रहा है मिन मैक्स के ऊपर, कि वो हमारी जितनी भी एक्सप्लोरेशन है उसको हाफ में कट कर देता है। तो बेसिकली जो भी आपकी जो पहले एक्सप्लोरेशन थी अगर वो ये थी, तो वो इसको तकरीबन आधा कर देता है, और आधा करने से हमें बहुत सारी स्टैटिक इवैल्यूएशन जो है वो हमारी रिड्यूस हो जाती हैं, कि जो ट्री की के डेप्थ अगर 3 और ब्रांचेस 3 हैं तो जो स्टैटिक इवैल्यूएशन हमारी पहले 27 हो रही थी वो अब 11 पे आ जाती है, यानी इतना फ़र्क हमें पड़ जाता है। तो अल्फा बीटा का जो प्रोसीजर है इसकी एग्जांपल भी एक अल्फा बीटा के साथ कर लेते हैं। वो ये लिखा हुआ है कि इफ़ द लेवल इज द टॉप लेवल, तो हमें क्या करना है, अपनी अल्फा की वैल्यू को नेगेटिव सेट कर देना और बीटा की वैल्यू को पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी बड़ी वैल्यू को ही हमने इसको पिक कर लेना। तो इफ़ द लिमिट ऑफ द सर्च हैज बीन रीच्ड, तो हमने क्या करना है, जब हम लिमिट पे पहुंच जाते हैं, टर्मिनल पे पहुंच जाते हैं, तो हमें स्टैटिक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है अप्रोप्रिएट प्लेयर के लिहाज से, वो वाला जो रिजल्ट है वो रिपोर्ट कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि फिर हमने ये देखना है कि जो लेवल अगर मिनिमाइजिंग लेवल है तो फिर हमने क्या करना है, उसके चिल्ड्रन को देखना है और जिनकी जो भी अल्फा और बीटा वैल्यूज हैं तब तक हमने उसको देखना है, ये वाले स्टेप्स अप्लाई करने हैं जब तक कि हमारी अल्फा की जो वैल्यू है वो बीटा से बड़ी नहीं हो जाती या फिर बीटा के बराबर नहीं हो जाती। तो अल्फा की वैल्यू चूंकि नेगेटिव थी तो, और बीटा की पॉजिटिव इन्फिनिटी थी, तो इसका मतलब है कि हमने अपने चिल्ड्रन को तब तक एक्सप्लोर करना है जब तक कि हमारी अल्फा की प्रॉपर वैल्यू सेट नहीं हो जाती। जैसे मैंने आपको पहले पीछे दिखाया था कि हमने सारी नोड्स को तब तक देखते गए थे जब तक कि हमारी टॉप नोड के ऊपर वैल्यू अल्फा की सेट नहीं हो गई। तो अब अल्फा बीटा का प्रोसीजर जो अप्लाई किया उसके ऊपर, तो विद द करंट अल्फा बीटा वैल्यूज उन्हें चाइल्ड और वैल्यू रिपोर्ट कर दी, फिर कंपेयर द वैल्यू विद द बीटा वैल्यू, और वैल्यू को हमने ऊपर कंपेयर किया, अगर रिपोर्टेड वैल्यू उससे छोटी थी तो फिर हमने बीटा वैल्यू को नई वैल्यू साइन कर दी और वो रिपोर्ट कर दिया। सेम वही प्रोसीजर है जो हमने ऊपर ट्राई किया था। इसी तरह से जब कोई मैक्सिमाइजिंग लेवल अगर आता है, तो अगर मैक्सिमाइजिंग लेवल के ऊपर आप खड़े हुए हैं तो आप फिर से जो है वो अपने वो उस नोड के चिल्ड्रन को देखेंगे और ये वाले स्टेप्स चलाएंगे कि जब तक सारे चिल्ड्रन को देखेंगे और वैल्यू कंप्यूट करेंगे तब तक जब तक के इफ द रिपोर्टेड वैल्यू इज स्मॉलर और रीसेट द अल्फा टू द न्यू वैल्यू। तो अगर आपकी रिपोर्टेड वैल्यू छोटी आ जाती है तो फिर आप अल्फा को नई वैल्यू साइन कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। दोनों लेवल्स के लिए सेम स्टेप्स जो हैं वो मेंशन करती हैं। तो अब ये थोड़ा सा एक चार्ट है, इसके बाद मैं आपको डेमो दिखाती हूँ। तो इस चार्ट में विदाउट अल्फा बीटा प्रूनिंग अगर हम करें तो ये वाली हमारी वैल्यूएशन इतनी कैलकुलेट होती है, अगर अल्फा बीटा प्रूनिंग के ऑपरेशन से करें तो यहाँ तक। तो अब ये देखेंगे इस पॉइंट तक अगर मैं जाऊँ
तो जो डेप्थ है जब 7 तक जा रही है तो 10,000 इवेल्यूएशंस कैलकुलेट तकरीबन हो रही हैं, जबकि अगर विदाउट अल्फा बीटा करें तो आप ये देखें कि 100 लाख तकरीबन समझे 1 करोड़ स्टैटिक इवेल्यूएशंस हो रही हैं, यानी इतना फर्क पड़ जाता है। तो अगर आपकी डेप्थ इवन और ऑड का हिसाब हो तो अगर आप इस फॉर्मूले का कैलकुलेट करें तो हमारा जो एक्सपोनेंट है वो तकरीबन हमारी कैलकुलेशन से है वो एक्सपोनेंट में जब आधी हो जाती है तो बहुत फर्क पड़ जाता है इस बात से। सो हम एग्जांपल देख लेते हैं अल्फा बीटा प्रूनिंग की और मिन मैक्स की। तो यहाँ पे मिन मैक्स मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और मैंने जो है वो ट्री एक सेलेक्ट किया है। तो इसको स्टार्ट करके देखते हैं, इस पे वैल्यूज जो हैं वो रैंडमली जनरेट हुई हैं। तो आप देखें कि जैसे जैसे दो नोट्स पूरी होती हैं उसकी टॉप नोट फेल हो जाती है, इसकी दो नोट्स पूरी हुई हैं इसकी टॉप नोट फेल हो गई है। इसी तरह से ये जो है वो क्रॉल करता जाएगा और इवेंचुअली जब सारी एक लेवल कंप्लीट होगा तो उससे ऊपर टॉप वाला लेवल पूरा हो जाएगा। तब आपने ये देखा है कि अगर टॉप लेवल जो है वो मैक्सिमाइजिंग लेवल था तो अब इसने पिक करना है मूव कौन सी लेनी है। इसने मैक्सिमम जो उसको जिस पे यूटिलिटी मिले तो इसने -55 ले लिया, -77, और उसमें से तो -55 मिनिमाइजिंग लेवल है तो ओपोनेंट जो है वो मिनिमम वैल्यू पिक करेगा। तो -26 में से उसने और -55 में से -55 पिक की। इसी तरह से ये मैक्सिमाइजिंग लेवल है तो उसने फिर -55 पिक किया और फिर इवेंचुअली वो यहाँ पे पहुँच गया। तो ये पाथ जो है ये रूट जो है वो मूव का हमें मिल गया। तो अगर मैं यही मिन मैक्स प्रोसीजर विल अल्फा बीटा प्रूनिंग भी चलाती हूँ, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि 6x2 एक थोड़ा सा कोई बड़ा ट्री हो जाए, या चले हम इस तरह के ट्री के ऊपर करते हैं और मैं डिले थोड़ा कम कर देती हूँ और फिर हम मिन मैक्स सिर्फ चला के देखें। तो फिर जो कॉम्प्यूटेशनल कॉस्ट है वो आप अंदाज लगाए कि कितनी है। सो अब अगर मैं यही सेम मिन मैक्स विद अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग जो है वो पिक करती हूँ और इसके ऊपर स्टार्ट करती हूँ तो आप देखें कि वो कितने कम टाइम में, और ये देखें कितना जो ग्रे में है ट्री वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ और बाकी जो है वो उनको बगैर एक्सप्लोर किए जो है वो काम हो गया।